हेलो फ्रेंड्स, मैंने सुना है कि बिगनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी वर्क। प्लेटो के अनुसार उनके ये शब्द थे, उन्होंने कहा था कि किसी भी कार्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होती है वो है उसकी शुरुआत। आज हम यहां पर एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, वी आर हियर टू मेक ए न्यू बिगनिंग, और ये शुरुआत है हमारी एक नई जर्नी की। एक जर्नी जिसको आप और हम मिलकर शुरू करेंगे, साथ साथ इसमें आगे बढ़ेंगे, और जो भी हमारी डेस्टिनेशन हमने सोच के रखी हुई है उस डेस्टिनेशन तक हम पहुंचेंगे। वेल, दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ योर MBA। तो मैं एक बार आप सभी को वेलकम करता हूं अपनी इस नई जर्नी में। फ्रेंड्स, आपने MBA में एनरोल करने के लिए ये करने से पहले राधर आई गेस कई बार एक क्वेश्चन खुद से किया होगा, कई बार ये क्वेश्चन आपसे, आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास जो लोग हैं उन्होंने किया होगा, और वो क्वेश्चन है व्हाई MBA। तो इस जर्नी को स्टार्ट करने के पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वुड लाइक टू आंसर इट फॉर योरसेल्फ एज वेल एज फॉर ऑल दी अदर पीपल जिन्होंने कभी ना कभी कहीं ना कहीं एट वन पॉइंट और दी अदर आपके सामने क्वेश्चन रेज किया है दैट व्हाई MBA। अगर मैं बात करूं MBA की, वेल, एक फ्रेज है मास्टर ऑफ वन, और उसी के कॉन्ट्राडिक्टली एक दूसरा फ्रेज होता है जैक ऑफ ऑल। तो जब मैं MBA की बात करता हूं तो यहां पर ये जो एक यू कैन से आर्ग्यूमेंट हमेशा रहता है लाइक वेदर वी शुड गो फॉर मास्टर ऑफ वन या फिर जैक ऑफ ऑल। देखिए, बहुत सी चीजें होती है, एज इंडिविजुअल हम सबकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, हम सारा कुछ सिंगल हैंडेडली नहीं कर सकते, हम अकेले हर एक काम नहीं कर सकते, या मैं ऐसा बोलूं कि मैं एज ए पर्सन आई एम नॉट कॉम्पिटेंट ऑफ परफॉर्मिंग ईच एंड एवरीथिंग। तो फॉर दैट से मुझे क्या चाहिए होगा, आई विल बी नीडिंग हेल्पिंग हैंड्स। सेम गोज विथ अवर लाइफ, सेम गोज विथ द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, सेम गोज विथ बिजनेस। तो जब बात आती है बिजनेस की, वहां पर एक जो डिग्री हमेशा से हमारे दिमाग में आती है, जब भी बात आती है बिजनेस मैनेजमेंट की, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की, तो MBA। हर किसी ने मोस्टली ये जो डिग्री है इसके बारे में सुना जरूर है, बट इसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उसके बारे में हम उतना ध्यान देते नहीं है। इवन आफ्टर गेटिंग एनरोल इन एन MBA प्रोग्राम, स्टिल स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको उतना क्लैरिटी नहीं होता है कि ये MBA है क्या और ये कैसे उनको उनकी प्रोफेशनल जर्नी में हेल्प कर सकता है। तो हमारी ये जो जर्नी शुरू हम करने जा रहे हैं आज से, उसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम ये देखेंगे कि क्या मुझे कोई एक स्पेसिफिक फील्ड, कोई एक स्पेसिफिक एरिया या स्पेशलाइज्ड ब्रांच या स्ट्रीम ऑप्ट करके आई हैव टू गो फॉर इट, या फिर मैं जो है इन द ड्यू कोर्स ऑफ माय MBA जर्नी मैं एट ईच एंड एवरी पॉइंट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखता चले जाऊं, अलग अलग फंक्शनल एरियाज के बारे में मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूं, अलग अलग सब्जेक्ट्स मैं पढ़ूं, और उससे मैं अपनी कोर कॉम्पिटेंस जो है वो डेवलप करूं विथ रिस्पेक्ट टू ऑल दी मेजर फंक्शनल एरियाज जो कि बिजनेस से जुड़े हुए हैं। चाहे मैं बात करूं मार्केटिंग की, चाहे मैं बात करूं
सेल्स की, चाहे मैं बात करूं बेक करंट पे जाकर ऑपरेशंस परफॉर्म करने की, चाहे मैं बात करूं लाइक आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जाके क्लाइंट्स को हैंडल करने की, हर जगह पर यू नीड टू हैव अ डिफरेंट स्किल सेट। तो एमबीए ये एक ऐसा मास्टर डिग्री है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि आपको आर्ट ऑफ मैनेजिंग पीपल सिखाता है। वेल आई हैव पॉइंटेड आउट फ्यू पॉइंट्स, मैंने यहां पर एक 12 पॉइंटर आंसर आपके लिए प्रिपेयर किया है, लाइक व्हाई एमबीए। पहला जो चीज है दैट इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिस्कवर अ न्यू यू। अगर मैं एमबीए की बात करता हूं, इट हेल्प्स यू इन एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ। एमबीए के थ्रू आप अपनी स्ट्रेंथ्स, आप अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन शॉर्ट में बोलूं, आप अपना स्वॉट एनालिसिस करते हैं एंड अकॉर्डिंगली आप खुद को ग्रूम करते हो एज अ पर्सन। व्हेन इट कम्स टू योर पर्सनालिटी, लाइक पर्सनालिटी को शेप करने के लिए इट गिव्स यू इमेंस अपॉर्चुनिटी। तो जो भी प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको मिलता है थ्रू आउट द प्रोग्राम, वो हेल्प करता है आपको इन बेटरिंग योरसेल्फ। तो आप एज ए पर्सन, आप एज ए प्रोफेशनल अपने आप को ग्रो करते हो और आप अपने नए डायमेंशंस, ठीक है, आप अपनी पर्सनालिटी के अलग अलग डायमेंशंस को एक्सप्लोर करते हो और कुछ ऐसी चीजें आप अपने अंदर से निकालते हैं जो कि ऑल टुगेदर आपके लिए भी एट टाइम्स सरप्राइजिंग हो सकती है। तो वो जो एक लर्निंग होती है आपकी, उसके थ्रू आप खुद को डिस्कवर कर सकते हैं। द सेकंड रीजन व्हाई यू शुड एनरोल योरसेल्फ फॉर एमबीए वो है टू बी मोर एम्प्लॉयबल। कहीं ना कहीं जो आपका एमबीए प्रोग्राम है वो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी को एनहांस करता है। आपको बिजनेस के, आपको अलग अलग ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए, अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े हुए जो भी वैलिड जॉब्स होती हैं उनके लिए प्रिपेयर करता है। तो इट मेक्स यू मोर एम्प्लॉयबल। बहुत सिंपल सा बेसिक है, बहुत स्ट्रेट एक फंडा है, लाइक जितना आप सीखेंगे उतना आप अपने आप को शेप करेंगे और वो फर्दर जो आपकी स्किल्स जो आप शार्पन करते हैं यहां पर इस प्रोग्राम के थ्रू, बट ऑब्वियस है उससे आपके आपकी जो भी फ्यूचर कंपनीज हैं, जो भी आपने अपने लिए एक माइंड में बना रखा है मुझे इस सेक्टर में जाना है या मुझे इस सेक्टर में जाना है, मुझे इस तरह की जॉब करनी है, वो सारी आपकी एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए एक की एमबीए का डिग्री आपको प्रोवाइड करता है। वो आपको एम्प्लॉयबल बनाता है, एट द सेम टाइम वो आपकी मार्केटेबिलिटी को भी इंक्रीज करता है, इट एनहांस योर मार्केटेबिलिटी, आपकी सेलेबिलिटी, ठीक है। इट इज जस्ट लाइक आप एक प्रोडक्ट हैं और आप खुद को, ठीक है, सेल आउट करने निकले हैं उस भीड़ में जहां पर ईच एंड एवरी पर्सन हैज गॉट समथिंग टू ऑफर। हर किसी के पास कोई स्किल सेट है, बट जैसे हम बोलते हैं ना, एक वो जो कंपैरिजन वाली बात आती है, आप लोगों ने एक वो एडवर्टीजमेंट देखा होगा, भला उसकी साड़ी मेरी साड़ी से बेहतर कैसे। तो वो जो एक डिमार्केशन, एक जो डिफरेंशिएशन है, वो डिफरेंशिएशन आपको मिलता है एमबीए डिग्री से और उसके थ्रू अल्टीमेटली आपकी सेलेबिलिटी या आपकी मार्केटेबिलिटी भी बढ़ती है। इट गिव्स यू एन एज ओवर द अदर्स। तो वो क्राउड जो कि एक ट्रेडिशनल डिग्री लेकर कॉलेज कंप्लीट करके जब जॉब मार्केट में उतरता है, इन कंपैरिजन टू दैट पर्सन, आप अगर एक प्रोफेशनल डिग्री के साथ मार्केट में लैंड अप करते हैं बैक्ड अप बाय द स्किल सेट जो कि इन डिमांड है, जो कि आपके एम्प्लॉयर को चाहिए, अगर उस स्किल सेट के साथ एक प्रोफेशनल डिग्री लेकर आप मार्केट में
अपना ग्रेजुएशन, अपना स्कूलिंग, या अगर मैं बात करता हूँ आप अपना कॉलेज कंप्लीट करके निकलेंगे तो विल बी इन अ पोजीशन जहां पर आप इजी या इजीली कॉम्पीट कर पाएंगे, एक टफ फाइट आप अपने राइवल्स को दे पाएंगे। उसी के कंटिन्यूएशन में अगर मैं बात करता हूं, इट इंक्रीज द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोफाइल। एज आई हैव सेड कि एमबीए जो है आपको प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है अलग अलग फील्ड्स में। आप स्पेशलाइजेशन ऑप्ट कर सकते हैं और वो जो आपके इलेक्टिव्स होते हैं, वो जो आपकी इलेक्टेड फील्ड्स हैं, वहां पर आप एन नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज और प्रोफाइल्स पे काम कर सकते हैं। तो बोथ इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ जॉब्स एंड इन टर्म्स ऑफ द नेचर ऑफ जॉब, दोनों फ्रंट पे लाइक नंबर्स भी इंक्रीज होते हैं, एट द सेम टाइम द क्वालिटी ऑफ जॉब। नॉर्मली जब मैं बात करता हूं एक ऐसा मतलब स्टूडेंट जो कि सिंपल ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट करके किसी एक ट्रेडिशनल डिग्री को लेके निकला है, चांसेस आर देयर कि उसको कुछ लिमिटेड जॉब्स ही ऑफर हो, मे बी लाइक एग्जीक्यूटिव लेवल पे, या जब हम बात करते हैं मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव या सेल्स या फील्ड वर्क, उसको यूजुअली कंपनी के एंड से ऑफर होगा। लेकिन जब आप एमबीए इन सर्टन स्पेशलाइज्ड फील्ड वो एक डिग्री लेके जाएंगे तो वहां पर जो नेचर ऑफ जॉब प्रोफाइल्स है वो भी वैलिड होगा और आपको फ्रंट एंड बैक एंड से रिलेटेड अलग अलग जॉब्स मिल सकती है। तो अगर मैं इसी को कंक्लूड करूं या समअप करूं तो यहां पे आप देखोगे एक चीज लिखी है, गेट जॉब रेडी, इट गेट्स यू जॉब रेडी। एमबीए का जो डिग्री है वो आपको जॉब रेडी करता है, इट प्रिपेयर यू आवरसेल्फ। ठीक है, जो भी आपके कैंपस इंटरव्यूज होते हैं उसके लिए मॉक इंटरव्यूज, जो पीडी सेशंस होते हैं, जो सॉफ्ट स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, उनकी कंटिन्यूस आपको ट्रेनिंग यहां पर एमबीए के दौरान मिलती है, मिलती रहेगी और वो चीज हेल्प करेगी आपको जॉब्स लेने में। फिर बिल्ड बिजनेस स्किल्स। ऑन द कॉन्ट्ररी जो लोग कॉर्पोरेट में सर्व नहीं करना चाहते, ऐसे स्टूडेंट्स जो कि थोड़े से एम्बिशियस हैं, जो कि बिजनेस क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, जो एक बिजनेस बैकग्राउंड से आते हैं और जो अपने फैमिली बिजनेस को नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाना चाहते हैं, या जो सेकंड जनरेशन हम बोले आपके एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो उन लोगों के लिए अपनी बिजनेस स्किल्स को शार्पन करने का एक अच्छा चांस, एक बेहतर मौका एमबीए के दौरान मिलता है। तो यू कैन बिल्ड बिजनेस स्किल्स एज वेल एज यू कैन एस्पायर योरसेल्फ टू बी एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो आप एक एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं, यू कैन कम आउट विथ लाइक सम न्यू बिजनेसेस, कुछ नए बिजनेस आइडियाज आप लेके आ सकते हैं, या फिर आप सेम या जो मोनोटोनस बिजनेस प्रैक्टिसेस होती है वहां पर कुछ किसी तरह का रेवोल्यूशन लेके आ सकते हैं। एंड उस एंगल से, उस पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो एमबीए का जो डिग्री है वो आपके जो थिंकिंग प्रोसेस होता है, जो आपके होराइजंस हैं विद ऑल दी एक्टिविटीज एंड एक्सरसाइज जो यहां पे आप परफॉर्म करते हैं, उनके थ्रू आपकी क्रिएटिविटी, ठीक है, आपके डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज, ये हर एक चीज एनहांस होती है और वो आपको एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए फाउंडेशन लेट करके देती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, नो डाउट पैसा बोलता है, इट्स ऑल अबाउट मनी। तो जब बात आती है लाइक चांसेस ऑफ मेकिंग मोर मनी, एमबीए आपको वो चांस देता है जिससे कि आप ज्यादा पैसा कमा सके, फिर चाहे वो एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के थ्रू इन्वेंट किया गया कोई प्रोडक्ट हो, कंसीव किया हुआ ऐसा कोई प्रोडक्ट हो, या कोई बिजनेस आइडिया हो, या फिर इफ यू आर सर्विंग
सम ऑर्गेनाइजेशंस, तो उसमें कुछ ऐसी मेजर ब्रेकथ्रूज आप लेके आए इन टर्म्स ऑफ सम स्ट्रेटजीज, इन सम ऑफ इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट लॉन्च एंड अदर थिंग्स, जिससे कि कहीं ना कहीं चांसेस ऑफ मेकिंग गुड मनी वो बढ़े और उसके थ्रू यू कैन अर्न मोर मनी एज बिजनेस पर्सन, या फिर इवन अगर आप एज एम्प्लॉय भी कहीं काम करते हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज, प्रमोशन के चांसेस भी आपको मिलते हैं, तो सैलरी हाइक एंड अदर थिंग्स, तो वो आप इजीली गेन कर सकते हैं एमबीए डिग्री के थ्रू। इट विल बूस्ट योर करियर क्रेडिबिलिटी। एमबीए का जो डिग्री है वो आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से इट मैटर्स अ लॉट। ठीक है, कॉर्पोरेट्स में जब मैं बात करता हूं, देयर आर सर्टन पोजीशंस, ऐसी कुछ मैनेजरियल पोजीशंस होती हैं जहां पर दे स्पेसिफिकली वांट एन एमबीए, तो उन जॉब पोजीशंस के लिए सिंस इट इज एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि एमबीए डिग्री एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है, तो वहां पर ये जो डिग्री है ये आपको एक क्रेडिबिलिटी देती है आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर यू कैन लर्न द आर्ट ऑफ मैनेजिंग अदर्स, जो एसेंस है लाइक एमबीए की जब मैं बात कर रहा हूं, एमबीए डिग्री जो आपको सिखाती है वो सिखाती है आर्ट ऑफ मैनेजिंग पीपल, सिंस मैनेजमेंट जो है इट इज ऑल अबाउट रिजल्ट्स। मैनेजमेंट को रिजल्ट से मतलब है, अब वो रिजल्ट्स कैसे आएंगे उसका जो आर्ट है वो आपको एमबीए प्रोग्राम के थ्रू सीखने को मिलता है। लास्टली अगर मैं बात करता हूं, देयर इज प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज, प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज होती हैं, बिकॉज आपके पास यहां पर वर्क एरियाज बहुत ज्यादा होते हैं, अलग अलग फील्ड्स, अलग अलग स्पेशलाइजेशन में आप एमबीए परस्यू कर सकते हैं, तो बिकॉज अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, अब आपका जो इंटरेस्ट है, आपका जो इंटरेस्ट एरिया है उसके अकॉर्डिंग यू कैन पिक और यू कैन ऑप्ट फॉर द स्पेशलाइजेशन, तो प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस चॉइसेस आप वहां पे, इसको होता ना आप के लिए बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं इन कंपैरिजन टू अदर मास्टर डिग्रीज लाइक अगर मैं बात करता हूं एम कॉम, मास्टर ऑफ कॉमर्स या फिर मास्टर ऑफ सोशल वर्क और समथिंग लाइक दैट, तो वहां पर आप थोड़ा सा लिमिट हो जाते हैं। ठीक है, आपका जो वर्क है वो थोड़ा सा कंफाइंड हो जाता है, बन जाता है। वेरी जब मैं एमबीए की बात करता हूं तो यहां पर जब मैं बिजनेस मैनेजमेंट की बात करता हूं, बिजनेस की बात करता हूं, तो बिजनेस का कोई भी फंक्शनल एरिया उसमें आप एंट्री ले सकते हैं। तो अगर स्विचिंग की बात आती है, शिफ्टिंग की बात आती है, एट अ लेटर स्टेज ऑफ योर करियर जब बात आती है खुद को रिलोकेट करने की या एक ऑल्टुगेदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रीम या एरिया चेंज करने की, तो एमबीए की जो डिग्री है वो आपको एक एज प्रोवाइड करती है, बिकॉज यहां पर स्पेशलाइज्ड और जनरलाइज्ड, सबूतो ना स्पेशलिस्ट और जनरलिस्ट दोनों तैयार किए जा सकते हैं, तो एमबीए की डिग्री आपको एक जर्नलिस्ट भी बनाती है, एट द सेम टाइम आप किसी एक स्पेसिफिक एरिया में एज स्पेशलाइज्ड पर्सन भी काम कर सकते हैं। एंड फाइनली देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न, प्रैक्टिकल एक्सपोजर जितना आप लेना चाहें ले सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ सर्विस, इन द फॉर्म ऑफ लाइव प्रोजेक्ट्स, इन द फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग, इन द फॉर्म ऑफ इंटर्नशिप, एट डिफरेंट स्टेजेस, अलग अलग टाइम पीरियड पे ये सभी चीजें आपको परफॉर्म करनी होगी। यू आर सपोज टू अंडरटेक लाइक स्टडीज, रिसर्च वर्क आपको करना होगा, तो वो सारी चीजें आपको बिजनेस के रिस्पेक्ट में कुछ ना कुछ नई चीजें सिखाती है, एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको प्रोवाइड करती है। एंड एज इट इज सेड, ऐसा कहा गया है दैट डिक्शनरी
डिक्शनरी इज द ओनली प्लेस वेयर सक्सेस कम्स बिफोर वर्क, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। डिक्शनरी में तो भी पॉसिबल है कि बिना काम किए आपको फल मिल जाता है, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में आपको मेहनत करनी होती है, आपको हार्ड वर्क करना होता है, आपको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस और सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल। ठीक है, तो विद ऑल द बेस्ट विशेस कि आप सभी लोग सक्सेसफुली अपना ये जो जर्नी है इसको कंप्लीट करेंगे और आगे चल के फ्यूचर में एक अच्छे बिजनेस पर्सन, एक अच्छे बिजनेस मैनेजर, एक अच्छे एम्प्लॉयर प्रूव होंगे। सो विथ ऑल दीज बेस्ट विशेस एंड ऑल दी ब्लेसिंग्स मैं यहां पर इस सेशन को कंक्लूड करता हूं। एंड फाइनली ये तीन वर्ड्स मैं आपके लिए देना चाहूंगा। नाउ लेट्स स्टार्ट इट, लेट्स स्टार्ट इट फ्रेश फ्रॉम हियर ऑन। एक नई शुरुआत हम करते हैं, एक नई इनिंग हम यहां से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स मेक अ न्यू बिगनिंग। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।